हेलो एवरीवन, अभी आम की सीज़न चल रही है और पके हुए आम की रेसिपीज़ तो हम बहुत सारी बनाते हैं, सबको फेवरेट होता है। लेकिन उसकी गुठली की इस्तेमाल करके हम आज एक टेस्टी कढ़ी बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और सिर्फ 5 मिनट लगती है। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले, हैंड टू हार्ट में पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटा सा बेल आइकॉन प्रेस करने से आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी। इंग्रेडिएंट्स में आम की गुठली के साथ बेसन, दही, जीरा, राई, पिंच हींग चाहिए, साथ में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, नमक पर टेस्ट, 2-3 लौंग और थोड़ा सा तज के साथ हरी मिर्च और करी पत्ते और थोड़ी सी शुगर। सबसे पहले एक बर्तन में हम लेंगे पानी। पानी यहाँ पर मैंने 2 कप लिया है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हो जितनी कढ़ी बनाना चाहो। ये गुठलियाँ है पके हुए आम की, इसको इस तरह से अपने हाथों से हम मसल कर इसका पल्प जो है वो निकाल लेंगे। यहाँ पर 3 गुठलियाँ ली है, आप अपने पास जो हो उतनी ले सकते हो। अभी फ़िलहाल हम गुठलियाँ को साइड में रख देते हैं निकाल कर, और इसमें ऐड करेंगे बेसन, 1 चम्मच ऐड किया है। इसको हमें गाढ़ी कढ़ी नहीं बनानी है, थोड़ी पतली सी अच्छी लगती है। दही 2 चम्मच, जो रेगुलर चम्मच होता है हम खाना खाने में इस्तेमाल करते हैं वही चम्मच मैंने लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे या फिर ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे, इसका बैटर इस तरह से बन जाएगा। और जो गुठली निकाल कर रखी थी वो वापस हम ऐड कर देंगे इसमें। अभी एक पैन में लेंगे 1 चम्मच घी, प्योर घी चाहिए हमें। इसमें ऐड करेंगे राई दाने थोड़े से, थोड़ा सा जीरा, और साथ में हम ऐड कर देंगे तज, लौंग, हरी मिर्च, करी पत्ते, पिंच हींग, ज़रा सी हल्दी और ज़रा सा लाल मिर्च पाउडर। ऑलरेडी हमने हरी मिर्च ऐड की हुई है। अब बनाया हुआ बैटर गुठली के साथ ही ऐड कर देंगे। गुठली हमें निकालनी नहीं है, ये साथ में इस तरह से पकती है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कढ़ी का। अब इसमें ऐड कर देंगे हम नमक, शक्कर ऐड करेंगे, ये खट्टी मीठी कढ़ी बनती है। आपने देखा होगा कि हमने बेसन और दही बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है, अगर ज़्यादा डालते हो तो ये केरी का टेस्ट है वो नहीं आएगा कढ़ी में, इसलिए आप ये कढ़ी पतली बनाए थोड़ी और दही भी थोड़ा सा ही डालें। इसको 5 मिनट बॉईल करना है मीडियम फ्लेम पे। ये कढ़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा आता है, और ये जब पकती है तो इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है, आपको तुरंत ही खाने का मन करेगा। फ्रेश धनिया ऐड कर दिया तो ये रेडी है सर्व करने के लिए। चावल के साथ या फिर रोटी पराठा के साथ भी आप सर्व कर सकते हो। तो गरम गरम आम की कढ़ी रेडी है, साथ में पापड़ हो तो और मज़ा आता है। आप चाहो तो ये कढ़ी एज ए स्टार्टर के साथ भी सर्व कर सकते हो, कोई फंक्शन हो तो एज ए सूप की जगह इसको आप सर्व कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। कोई इंडियन स्टार्टर बना दीजिए साथ में तो एक डिफरेंट मेन्यू हो जाएगा। तो है ना बनाना आसान। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।